हेलो गाइस, तो आज हम हैं लहरे के साथ। और जैसा कि आप लोगों को, कितने लोगों को मेकअप करना नहीं आता है, उनका मेकअप का ABCD भी नहीं आता है, जैसे कि हमको भी नहीं आता था। तो आज चलिए सिखाते हैं कि मेकअप कैसे किया जाता है। सिंपल लड़कियों के लिए हल्का मेकअप ही अच्छा होता है, ज़्यादा हेवी मेकअप उतना अच्छा होता भी नहीं है। तो स्टार्टिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप देखो, सबसे पहले आप प्राइमर लगाया जाता है, लेकिन प्राइमर फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, अभी लेकर नहीं आए, तो आप पहले उसी से सीख लो। ये है फाउंडेशन, आप फाउंडेशन लो और आपको जो सही लगे, मेबलिन का लगे, लैक्मे का लगे, जो सही लगे वो आप लेकर लगाया करो। मतलब थोड़ा थोड़ा पहले चारों तरफ आप लगाओ और उसको अच्छे से मिलाएंगे। और मेकअप जब भी किया करो तो ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ फेस तक किया करो, क्योंकि असली चेहरा दिख जाएगा आपका। गर्दन में ज़रूर लगाना, गले में ज़रूर लगाना, नहीं तो आपका असली चेहरा दिख जाएगा। अरे लड़की फाउंडेशन लगा के बुरी हो गई है, तो पूरे फेस पे लगाना। जैसा कि आपको पता है कि मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं आता था हमको, लेकिन बिग बॉस के घर में जाने से इतना कुछ सीख गए हैं कि मेकअप कैसे किया था। मतलब कि ऐसे तो बाकी सब कुछ आता है लड़की को, लड़की अच्छे गुणी संपन्न है, लेकिन मेकअप के मामले में ज़ीरो थे हम। तो अब ज़ीरो से ये हो गए हीरो। तो मेकअप कैसे करते हैं वो अच्छे से सिखाई है सृष्टि रोड। दीपिका दीदी बताते रहती थी कि ऐसे करो वैसे करो, तो इन लोगों की वजह से अब मेकअप करना आ गया, और उन लोगों की वजह से हमको मेकअप आया, मेरे वजह से शायद आप लोगों को भी मेकअप आ जाए। तो अगर आपके फेस में मेकअप ज़्यादा हो गया, फाउंडेशन आपने ज़्यादा लगा लिया, अगर आपको लग रहा है कि आपका फेस बहुत वाइट लग रहा है, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वाइप स्लो थोड़ा सा, और जिधर लग रहा है ज़्यादा उधर हल्का पोंछ लेने का, और उसके बाद उसको मिला लेने का। तो ये तो हमारा फाउंडेशन हो गया। अब बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर आपके फेस पे अगर कहीं पे मतलब दाग धब्बा है, स्पॉट्स है, तो उसको छिपाने के लिए होता है। तो मेरे फेस पे तो फ़िलहाल है नहीं, लेकिन आई के नीचे वो तो लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो हम लगाते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ खैर करना नहीं होता, हल्का सा लगाओ, बस मिला लो। पहले ऐसा लगता था ना कि कितना हार्ड है मेकअप करना, लेकिन अब लगता है कुछ हार्ड नहीं है, आप लोग के लिए भी नहीं होगा हार्ड। और ये है फेस पाउडर। आप लोग कभी भी मेकअप करो तो अपने पहले तो मेकअप का सामान जब भी लाने जाते हो तो अपने शेड से मिला कर लो, क्योंकि डार्क शेड अगर हो गया आपके फेस से तो वो भी गंदा दिखेगा, लाइट शेड हो गया तो वो भी। तो कभी भी मेकअप का सामान लो तो वो मिला कर लिया करो। और हाँ, आप लोगों को फिर से बता दें कि जब भी आप कोई भी मेकअप का सामान आप अपने फेस पे लगा रहे हो, तो सिर्फ फेस पे मत लगाओ, उसको गले में भी लगाओ, ताकि पूरा फेस और गला ये सब कुछ एक रंग का दिखे। ऐसा ना लगे कि आपका फेस ज़्यादा ब्राइट हो गया और गला जो है वो अलग है। तो मेरा बस फेस पाउडर इतना ही था, और कुछ ज़्यादा नहीं करना था। अगर आपको लग रहा है कि ब्रश से आप नहीं संभाल रहे हो, तो आपके हाथ है उससे थोड़ा सा मिला लेना चाहिए, इसको भी पाउडर ये सब भी, मतलब इधर उधर ना लगा रहे। बहुत लोग मेकअप करते हैं तो उन्हें, मतलब वो लोग कॉन्ट्रोलिंग करते हैं, और मतलब अपने फीचर्स शार्प दिखाने के लिए, चिकबोन ये सब दिखाने के लिए वो लोग मेकअप करते हैं, हाइलाइटर ये सब यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग आई शैडो लगाते हैं, तो इसके लिए हम आपके तरफ नहीं देखेंगे, आईने की तरफ देखेंगे, नहीं तो मालूम चला लगाना है यहाँ, लग गया इधर कहीं पर। मेरे आईज पे ज़्यादा डार्क शेड जो है अच्छा नहीं लगता है, तो हम लाइट ही लगाया करते हैं। तो फिलहाल देख लो कैसे लगाया जाता है, बाकी क्या आप सूट करता है क्या नहीं सूट करता है वो आप डिसाइड कर लेना। और आई शैडो लगाने के बाद ब्रश से जब आप लगाते हैं, तो इससे फिर उसके दूसरे साइड मिलाने के लिए होता है, उससे भी मिला लिया करो, ताकि वो ज़्यादा कम कहीं पे ना हो। और आपको अगर काजल लगाना हो तो आप काजल भी लगा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मेरे आँखों में काजल है और थोड़ी बहुत होती है तो वो लगा लेते हैं।
लाइनर वाइनर हम लगाते नहीं हैं, तो लाइनर हम अपने साथ रखते भी नहीं हैं, किसी को लगाने आता तो बोल देते भाई लगा दे। और ब्लश ऑन ये आप थोड़ा सा लगा सकते हो, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है ये देखने में हल्का, तो ये जब भी लगाओगे ना तो थोड़ा सा हंस के लगाओ। ब्लश ऑन का मतलब है हंस के लगाओ। देखो वाणी हंस रही है। बस मेरा मेकअप हो गया, सिर्फ एक चीज़ बची है, आपको भी पता है क्या, तो लिपस्टिक बची है। तो लिपस्टिक कभी भी यूज़ करने से पहले लिप बाम ज़रूर लगाया करें, क्योंकि आपके होंठ बहुत नाजुक होते हैं, तो पहले लिप बाम को अपने होठों पे लगाएं, फिर आप लिपस्टिक यूज़ करें, ताकि इससे आपके होंठ ख़राब ना हो। अब पता है ब्लैक है तो ब्लैक पे रेड ज़्यादा सूट करता है, तो रेड लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने से पहले बहुत लोग होते हैं कि अपने होंठ का शेप दिखाने के लिए लिप लाइनर का भी यूज़ करते हैं, तो वो उतना उनको आता नहीं है और यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है, तो कभी यूज़ करके देखे ही नहीं है। और अगर मैट आपको लगाना हो और आपके पास मैट ना हो, तो ये लिपस्टिक भी मैट का काम कर सकती है। बस सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, एक टिश्यू लेकर उसको फोल्ड करके अपने होंठ के बीच में रखो और थोड़ा सा डैप कर लो उसको, तो आपके लिपस्टिक ये जो ग्लॉसी जो है वो ग्लॉसी से मैट बन जाएगा। तो मेरा ये मेकअप कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि पहले कोई बताने वाले थे नहीं कि मेकअप कैसे किया जाता है कैसे नहीं, तो सोचते थे यार कोई तो बता दो सिखा दो कि मेकअप कैसा लग रहा है। तो फिलहाल हम आप लोग को बता रहे हैं, और आप लोग को मेकअप सीखने के लिए कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पार्लर में जाओ और सीखो कि मेकअप कैसे किया जाता है, ये बहुत सिंपल है मेकअप करना। तो आप लोग को भी आ गया होगा लहरे के साथ मेरा ये मेकअप सेगमेंट कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कैसे बताइएगा कमेंट करके। अब आपको जो भी सवाल पूछना हो, कोई भी सेगमेंट देखना हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कौन से चैनल पे, ऑफ कोर्स लहरे पे।